करण एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन अनबॉक्स। दिस इज करण, एंड जैसा कि आप देख ही चुके हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोर्डलेस वैक्यूम एंड रोबोटिक वैक्यूम के डिफरेंसेस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, बट मार्केट में आपको कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स भी मिलते हैं। सो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए एंड इन दोनों के मेजर डिफरेंसेस क्या होंगे। सो मेरे पास यहाँ पे है V80 रोबो वैक्यूम क्लीनर एंड दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास है डायसन का V11 मॉडल। दोनों को ही हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एंड इस वीडियो में हम दोनों को ही प्रैक्टिकली कंपेयर करेंगे एंड यू कैन फाइंड आउट दैट विच वन इज बेटर फॉर यू। सो पहले हम जानते हैं इन दोनों वैक्यूम क्लीनर्स के मेजर पर्पस के बारे में। सो जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं एंड बेसिकली सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग के लिए या फिर कार्पेट क्लीनिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड मार्केट में आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के रोबो वैक्यूम्स मिलते हैं जिनमें आपको काफी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिल जाती है, अलग अलग सेंसर्स होते हैं इसमें। आप अपने घर का मैप इसमें स्टोर कर सकते हैं, स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं एंड मोस्टली ये ऑटोमेटिक होते हैं एंड चार्जिंग के लिए आपको इसमें एक डॉक पोर्ट मिलता है जिससे ये भी ऑटोमेटिक चार्ज करता है। एडिशनली आपको कुछ मॉडल्स में इसमें मॉप फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। एंड अब अगर हम कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स को देखें तो ये भी बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। मेजरली यहाँ पे आपको कोई भी वायर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज। इनका सक्शन पावर जो है रोबो वैक्यूम क्लीनर से ज्यादा पावरफुल होता है एंड यहाँ पे आप इसे फ्लोर क्लीनिंग के अलावा काफी सारे अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक फॉर क्लीनिंग योर विंडोज, फॉर क्लीनिंग मैट्रेस, फॉर क्लीनिंग स्पाइडर कॉब वेब्स। यहाँ पे आप सोफा भी क्लीन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप इसे अपने कार में भी यूज कर सकते हैं कार क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग अटैचमेंट्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो काम रोबो वैक्यूम ऑटोमेटिक करता है, आपको ये सेम काम कॉर्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर से मैन्युअली करना पड़ता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेसरीज एंड अटैचमेंट्स यू गेट विद बोथ ऑफ दिस वैक्यूम क्लीनर्स। सो रोबो वैक्यूम के साथ आपको बेसिकली ब्रशेस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा या फिर फिल्टर्स मिल जाएंगे एंड अगर रोबो वैक्यूम में मॉपिंग फंक्शनैलिटी है तो यहाँ पे आपको मॉप टैंक मिलता है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है एंड वहीं कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स के साथ आपको काफी सारी अलग अलग अटैचमेंट्स मिलती है फॉर क्लीनिंग वेरियस एरियाज, लाइक फ्लोर क्लीनिंग के लिए एक अटैचमेंट होगा, कार्पेट क्लीनिंग के लिए एक अटैचमेंट होगा, सोफा क्लीनिंग के लिए या कार क्लीनिंग डस्टिंग के लिए अलग अलग अटैचमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो डायसन का V11 मॉडल है इसके साथ अराउंड 11 अलग अलग अटैचमेंट्स मिलते हैं जिन्हें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ यूज कर सकते हैं। सो अब इन दोनों वैक्यूम क्लीनर्स को प्रैक्टिकली हम अलग अलग वेरियस कंडीशंस में कंपेयर करते हैं। सो दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स आप फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों की ही क्लीनिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी है, बट जो रोबो वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पावर है वो कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर्ड टू कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स। सो टेक्निकली कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे दो रूम सिमिलर साइज के सिलेक्ट किए हैं एंड एज यू कैन सी दोनों ही वैक्यूम के डस्टबिन एकदम खाली है। अब एक रूम में हम आईलाइफ रोबो वैक्यूम से क्लीन करते हैं एंड दूसरे रूम में डायसन V11 कोड फ्री वैक्यूम से क्लीन करते हैं। अब अगर इन दोनों वैक्यूम की स्पीड देखें तो यहाँ पे रोबो वैक्यूम्स थोड़े स्लो होते हैं, स्पेशली अगर आपके यहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर हो तो इनका एल्गोरिथम थोड़ा स्लो हो जाता है। वहीं कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे विद इन 3 मिनट्स में मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया है, बट रोबो वैक्यूम इज स्टिल क्लीनिंग। ऑन एन एवरेज आपके पूरे घर की क्लीनिंग के लिए एक रोबो वैक्यूम 45 to 60 मिनट्स लेता है, वही कोड फ्री वैक्यूम से आप वही काम मैन्युअली 10 to 15 मिनट्स में कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही रूम सब क्लीन हो चुके हैं एंड अब इनके डस्टबिन को हम खाली करके चेक करते हैं कि किसने ज्यादा डस्ट पिकअप किया है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर का डस्टबिन खाली करके देखते हैं एंड अब यहाँ पे हम रोबो वैक्यूम क्लीनर का डस्टबिन देखते हैं। सो दोनों ही रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहाँ पे है रोबो वैक्यूम का डस्ट एंड यहाँ आप देख सकते हैं कोड फ्री वैक्यूम का डस्ट। सो कोड फ्री वैक्यूम ने काफी ज्यादा डस्ट कलेक्ट किया है एज दे आर मोर पावरफुल एंड दे हैव मोर सक्शन पावर। यहाँ पे एक और कंपैरिजन देखते हैं। आप अगर यहाँ पे फ्लोर पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े शू मार्क्स हैं। सो पहले हम रोबो वैक्यूम से ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे इसके ब्रशेस इतने पावरफुल नहीं है, एज यू कैन सी ये शू मार्क्स को नहीं निकाल सकते। वही डायसन कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स के साथ आपको यहाँ पे एक
फ्लोर के लिए सॉफ्ट लोड टाइप मोटराइज रोलर मिलता है एंड एज यू कैन सी इट इज क्लीनिंग इट वेल एंड शू मार्क्स आर नाउ गॉन। रोबो वैक्यूम क्लीनर का एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे ऑन करना है एंड ये अपने आप सब कुछ क्लीन कर लेता है। इसमें काफी सारे सेंसर्स होते हैं टू डील विद द ऑब्स्टेकल्स। आप इसमें रेस्ट्रिक्टेड एरिया डाल सकते हैं, स्पॉट क्लीनिंग कर सकते हैं। वहीं कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स में आपको इसे मैन्युअली चलाना पड़ता है एंड रोबो वैक्यूम क्लीनर्स उन सभी जगह पे इजीली क्लीन करते हैं जहां पे आपको मैन्युअली रेगुलरली क्लीन नहीं करते, लाइक अंडर द सोफा हो या फिर अंडर द बेड हो या फिर अंडर कोई फर्नीचर हो। जहां पे आपको कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स में हो सकता है कि आपको फर्नीचर साइड पे करना पड़े, बट रोबो वैक्यूम क्लीनर्स को आप सिर्फ फ्लैट सरफेस पे ही क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे स्टेयर्स पे यूज नहीं कर सकते, जहां पे आप कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स को स्टेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं। रोबो वैक्यूम क्लीनर्स फाइन डस्ट तो काफी अच्छे से कलेक्ट कर लेता है, बट कहीं पे अगर कुछ बड़े हेवी डस्ट पार्टिकल्स हो सो ये उसे हर जगह फैला देता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वहीं कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर के साथ आप इसे रेलेवेंट अटैचमेंट के साथ इजिली पिक कर सकते हैं। डस्ट तो ठीक है, बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन प्रॉब्लम्स जो काफी घर पे होती है वो है हेयर फॉल की एंड पेट हेयर शेडिंग की, एंड दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स इन्हें इजीली पिक करते हैं। रोबो वैक्यूम क्लीनर्स सिर्फ फ्लोर से हेयर कलेक्ट करेंगे, बट जो कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स है आप इसे कहीं से भी हेयर पिक कर सकते हैं। बट दोनों के ही केस में यहाँ पे आपको जो इसके रोलर्स है यहाँ पे आपको हेयर टैंगल होंगे जो आपको मैन्युअली बाद में क्लीन करना पड़ता है। कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स के एडिशनल एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे डाइसन V11 से मैं यहाँ पे सोफा क्लीन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको एक मोटराइज्ड अटैचमेंट मिलता है जो काफी हेल्प करता है एंड लेट्स सी हाउ इट क्लीन्स। सो यहाँ पे एज यू कैन सी काफी सारा डस्ट इकट्ठा हुआ है, काफी सारा डस्ट इसने कलेक्ट किया है एंड इसमें आप 0.3 माइक्रोन्स तक के डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और एडवांटेज है, यहाँ पे जो भी इसका एयर थ्रू बैक साइड पे होता है वो एक फिल्टर के थ्रू पास होता है जो काफी क्लीन होता है। एडिशनली आप इसे काफी सारी अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, आप इसे डस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप इससे विंडो क्लीन कर सकते हैं, विंडो की मैश है वो क्लीन कर सकते हैं एंड आप इसे कार में भी क्लीन कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे आप इजिली इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग टाइम पे आपको रोबो वैक्यूम्स में ध्यान रखना होता है कि जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए क्योंकि ये ऑटोमेटिक होते हैं। सो जो भी डोरमैट्स हो या वायर्स, टॉयज, स्लिपर्स, आपको ये पहले मैन्युअली हटाने होते हैं, नहीं तो ये उसमें अटक सकते हैं एंड बीच सेशन में ये एरर देते हैं जिससे क्लीनिंग कंप्लीट नहीं होता। बट कोड फ्री वैक्यूम्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप मैन्युअली वो एरिया को देख के ही क्लीन करने वाले हैं। अब इन दोनों वैक्यूम क्लीनर्स की अगर हम नॉइज लेवल्स देखें तो आपको इन दोनों के मैं साउंड लेवल्स सुना देता हूं। नॉर्मल, दिस इज लो। अब डायसन का सुनते हैं, इको, मीडियम, बूस्ट मोड। तो यहाँ पे लगभग दोनों वैक्यूम क्लीनर्स के नॉइज लेवल सिमिलर ही है। सो अब अगर हम यहाँ पे चार्जिंग एंड बैटरी लाइफ देखें तो यहाँ पे दोनों के साथ ही आपको डॉक चार्जिंग मिलता है। रोबो वैक्यूम्स का डॉक चार्जिंग स्टेशन जो है वो फ्लोर पे होता है। कोड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स को आप वॉल माउंट कर सकते हैं। आपको इसके अडेप्टर को हमेशा ऑन रखना है एंड दोनों ही हमेशा रेडी टू यूज होंगे विद फुल बैटरी पावर। दोनों की ही बैटरी लिथियम आयन है विच इज लाइक आवर मोबाइल बैटरीज, सो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता एंड दोनों जब एक बार फुल चार्ज हो जाते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते। बैटरी लाइफ में यहाँ पे रोबो वैक्यूम क्लीनर्स में एडवांटेज है, एज ये लो पावर मोटर यूज करते हैं तो यहाँ पे जो इनका बैटरी रन टाइम है वो ज्यादा होता है। टिपिकली आपको यहाँ पे 60-90 मिनट्स का रन टाइम मिल जाता है। वहीं जो कोल्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं यहाँ पे आपको 30-60 मिनट्स का रन टाइम मिलता है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पावर सेटिंग्स विच यू चूज। दोनों के ही केस में अगर आउट ऑफ बैटरी हो जाए तो आप इसे फर्दर यूज नहीं कर सकते, आपको इसे चार्ज पे रखना पड़ता है विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड यहाँ पे डायसन V11 में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको एक स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। इन केस अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए हो तो आप एक स्पेयर बैटरी लेके इस तरह से आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं विच विल डबल योर बैटरी बैकअप। टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस नाउ, दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स में एक फिल्टर मिलता है एंड डस्टबिन कंपार्टमेंट होता है। मोर और लेस दोनों के ही डस्ट कंपार्टमेंट की कैपेसिटी सिमिलर होती है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। डस्टबिन आपको यूजुअली जब फुल हो जाए तब खाली करना होता है
एंड मंथली वंस आपको इनके फिल्टर्स को प्रॉपरली क्लीन करना होता है। यहाँ पे जो डस्टबिन खाली करने का मैकेनिज्म है वो डायसन V11 में काफी इजी है। लाइक इट एक्चुअली पुशेस डाउन ऑल द डस्ट एंड यहाँ पे आपको कुछ भी मैन्युअली टच नहीं करना है, विच इज वेरी गुड फॉर डस्ट एलर्जिक पीपल। वाइल अगर हम रोबो वैक्यूम के डस्टबिन को देखें तो यहाँ पे जो डस्ट है वो डायरेक्टली बाहर इतना इजीली नहीं आता एंड देर इज नो पुश डाउन मैकेनिज्म। सो यूजुअली जब ये ब्लॉक हो जाता है तो आपको अपने हाथों से या कोई ऑब्जेक्ट से इसके डस्टबिन को क्लीन करना पड़ता है। एज हमारे पास दोनों ही वैक्यूम्स है तो एज अ ट्रिक मैं रोबो वैक्यूम के डस्टबिन को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए कभी कभी डायसन वैक्यूम का यूज कर लेता हूँ। सो एट दी एंड आई वुड से दैट रोबो वैक्यूम क्लीनर्स आर गुड फॉर फ्लोर क्लीनिंग एंड ये आपके पूरे घर की ऑटोमेटिकली क्लीनिंग कर देगा। आप इससे मॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको मैन्युअली बस इससे टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है। एंड वही कोल्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स देखें तो दे आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू यूज, इट्स वेरी इजी लाइक जस्ट ग्रैब एंड गो। यहाँ पे आप फ्लोर क्लीनिंग के अलावा बाकी सारे काम कर सकते हैं जहां पे रोबो वैक्यूम क्लीनर की लिमिटेशंस आ जाती है। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे अटैचमेंट्स भी मिलते हैं जो प्रैक्टिकली काफी यूजफुल होते हैं, बट ये ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, आपको इसे मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। सो दिस वाज इट गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू हिट दैट लाइक बटन एंड यू कैन शेयर योर कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। एंड इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, इफ यू वांट टू चेक इट आउट। बिफोर यू लीव डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इन्फॉर्मेशन अनबॉक्स एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @info_unbox टू नो अबाउट अमेजिंग टेक कॉन्टेंट। दिस इज करण एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय।